अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ स्पाइसी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमें 750 ग्राम चिकन चाहिए और 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं और इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। 1/2 कप मैंने पुदीना लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। 1/2 कप हरा धनिया, इसको भी बारीक काट लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं बारीक वाली। 2 टीस्पून फुल मैंने रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और दही है 1/2 कप, इसको मैंने फेंट लिया है। और ऑयल चाहिए यखनी बनाने के लिए तकरीबन 1 कप। अब इसको इसकी इसके अलावा मैं जो चावल को हमें बॉईल करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो देख लेते हैं। 750 ग्राम चावल है जो मैंने अभी अभी पानी में भिगा दी अच्छी तरह से धोकर, इसलिए क्योंकि जब तक ये यखनी तैयार होगी इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो जाएंगे और ये अच्छी तरह भीग जाएंगे। 1/2 कप मैंने साबुत पुदीने की पत्तियाँ ली हैं और 2 तेज़पत्ता है, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, 1/2 कप आधा टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 3 अदद लौंगे हैं और नमक है जो कि पानी चावल बॉईल करते हुए हमें पानी में डालना है, ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून लेवल करके। आप अपने चावल के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जर्दे का रंग है जो हम दम देते हुए इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी हम तैयारी करते हैं बनाने की। पतीली में ऑयल डाल के गरम कर लें, इसके बाद प्याज डाल दें, साथ ही सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज मैंने लाइट ब्राउन कर ली है और प्याज जब भी फ्राई करें तो उसको हिलाते रहें ताकि वो एक तरह की ब्राउन हो। और इसके बाद मैं सबसे पहले ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन डाल के थोड़ी देर भूनेंगे और फिर चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि चिकन वाइट कलर का हो जाए। चिकन का कलर लाइट मतलब वाइट हो गया है और इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें इसी वक्त थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और मसाले को भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मैं इसको भून रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी आपको बताया था कि मैंने शामिल कर दिया है। अब ये देखिए आप ऑयल अलग होना शुरू हो गया मसाले से, अभी तक के हमने कवर नहीं किया है इसको ना। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर मैं इस तरह से इसको ऊपर डाल के और इसको अब मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे कवर कर दूंगी और बीच में हिलाते रहूंगी ताकि मसाला नीचे ना लगे। ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने पहले कवर कर दिया था। कवर करने के बाद मैंने जब 5 मिनट बाद खोला तो टमाटर ने अच्छा खासा पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। अब इसको मैं हल्का हल्का सा भून रही हूँ ताकि क्योंकि ये चिकन है तो इसको गलने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको हल्का सा भूनूंगी, जैसे ही मुझे लगेगा कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई होने लगा है तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दूँगी। ये देखें 5 मिनट और गुजर चुके हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन बंद कर दिया था। अब टमाटर ने पानी क्योंकि अपना टमाटर का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी तक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ, मैंने इसकी फ्लेम स्लो नहीं की है क्योंकि अभी हमें चिकन को पकाना नहीं है, उसके लिए हम अलग से उसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अभी हमें यखनी को अच्छी तरह से भूनना है। तो अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी कि थोड़ी सी आँच स्लो करूँगी और कभी भी आँच तेज़ करके दही शामिल ना करें वरना दही जो है वो कर्डल हो जाता है। अब थोड़ी सी फ्लेम को हम स्लो करेंगे और इसमें
दही डाल देंगे। दही मैंने हाथ से फेटी हुई है, ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया वरना वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाती है। अब इसको मिक्स करके अब इस वक्त हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको दम पे रखेंगे। जब तक कि हमारी यखनी दम पर है तो उस वक्त तक हम जो चावल को बॉईल करना है वो कर लेते हैं। इसमें पुदीना है मैंने बताया था, उसको डाल देंगे और साबुत गरम मसाला है ये भी डाल देंगे, नमक और पानी जो है अगर जैसे कि मैंने 3 पाव चावल लिए हैं तो उससे आप डबल लेंगे, और क्योंकि ये पानी हमें फेंकना ही है यखनी चावल को पानी निथार देंगे तो इसलिए जो है इसका पानी ज़्यादा आप रखिएगा ताकि चावल खुले खुले पके। अच्छा, इसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे, जो जिस पानी में चावल भीगे हुए थे वो मैंने फेंक दिया है। और इसको डालने के बाद इसको हल्का सा हिला देंगे ताकि चावल आपस में ना चिपके। अब ये 80% तक हमें बॉईल करना है तो हम इसको 80% बॉईल कर लेंगे। चिकन की यखनी यहाँ पर स्लो फ्लेम पे पक रही है और इसमें मैं सिर्फ अभी 1 टीस्पून जो मैंने गरम मसाला पाउडर बताया था वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी दम पे डालने के लिए। और इसको फिर और बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे करके हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट पकाएंगे। बस चिकन का ख्याल रखिएगा कि चिकन टूटनी नहीं चाहिए, अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि चिकन आपकी बिल्कुल डन हो गई है तो आप बिल्कुल आँच स्लो कर दीजिएगा ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और चूल्हा बंद कर दीजिएगा। ये देखें चावल हमारा तकरीबन 80% कुक हो गया है, हल्का सा दबाने पे आधा टुकड़ा हो रहा है, मतलब पूरा फुल नहीं होना चाहिए। बस अब हम इसको इसका पानी ड्रेन कर देंगे। 5 मिनट से 6 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और ये अपनी पक रही थी, अब ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, बस ये टोटली डन है। इसको इसका पानी खुश्क नहीं करना है क्योंकि हमने 80% राइस कुक किए हैं तो ये बाकी जो है हमारे राइस के लिए ये यखनी चाहिए होगी हमें थोड़ी सी इस तरह की, यानी कि ज़्यादा ड्राई नहीं करनी है। बस हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे जिसके लिए मैंने ये चावल जो है वो मैंने छन्नी में पानी इसका निकाल दिया था और थोड़े से चावल मैंने यहाँ पर पतीली में रहने दिए हैं क्योंकि इसी में हम यखनी डाल के अब इसको दम पे रखेंगे। थोड़े से चावल नीचे बेस में डाल दिए हैं, उसके बाद यखनी डालेंगे। अब थोड़े से चावल डालूंगी, थोड़े से चावल बचा लेंगे। ये पूरी यखनी सारी यखनी मैंने इसमें डाल दी है। अब ये लास्ट लेयर जो हमारी राइस की थी, थोड़े से जो चावल थे ये भी हम डाल देंगे। इसको फैला लेंगे। अब ये जो जर्दे का रंग था ये डालूंगी मैं एक साइड पे और यहाँ थोड़ा सा यहाँ। इसके अलावा जो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने बचाया था वो डालेंगे और अब इसको कवर करके दम पे रखेंगे। ये देखें 5 मिनट से ये तेज़ फ्लेम पे रखा हुआ है, आप खुद देखें कि इसमें बहुत तेज़ भाप आ रही है, इसी तरह से भाप आनी चाहिए। और जो है अगर आपकी पतीली का बेस जो है वो थोड़ा सा पतला है तो कोशिश कीजिएगा कि नीचे तवा वगैरह कुछ रख लें। और इसको अब स्लो फ्लेम करके मैं 10 मिनट तक दम पे रखूँगी, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे।
बिरयानी दम हो चुकी है। 5 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे, 5 से 10 मिनट मैंने उसको स्लो फ्लेम पे दम दिया है, और उसके बाद मैंने उसका चूल्हा बंद करके अब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि हम उसको डिश आउट कर लें। इससे पहले मैंने कहा कि आपसे एक इसके साथ जो रायता या चटनी दही की सर्व की जाती है उसकी एक छोटी सी रेसिपी है वो शेयर कर लूँ। इसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है। इसमें मैं 1 मीडियम साइज़ की चॉप प्याज डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून जितना पुदीना है ये भी बारीक कटा हुआ है, नमक और काली मिर्च, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, और एक हरी मिर्च है मोटी कटी हुई, ये डाल के इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल दें। ये रायता जो है वो बिरयानी के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर इसके साथ बनाइएगा। अब हम बिरयानी को निकाल देते हैं अपनी। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। इसको निकालते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको पूरी तरह से मिक्स मत कीजिएगा, एक साइड से निकालिएगा, थोड़े सादे थोड़े मसाले वाले, ताकि तमाम चावल जो है वो डिश में आ जाए और जिसको जिस तरह चाहिए वो उसे ले ले। और इसके साथ रायता है वो भी आप ज़रूर ट्राई करें, बिरयानी है बहुत टेस्टी बनती है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।